खबर से आपको रूबरू करा दे, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। थोड़ी देर में आप में शामिल होंगे अशोक तंवर। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के साथ बैठक जारी है, आप प्रभारी सुशील गुप्ता भी इस बैठक में मौजूद है। तो टीएमसी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि अशोक तंवर, आप थोड़ी देर में आप में शामिल होंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं अशोक तंवर, सिरसा सांसद रहे हैं अशोक तंवर, इसके साथ ही राहुल गांधी के करीबी रहे हैं अशोक तंवर। तो यहां पर दिल्ली में हुड्डा समर्थकों से हुआ था झगड़ा, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। क्या कुछ मनमुटाव हुआ जिसके चलते ये फैसला लिया गया? 2019 में हुड्डा से गहमा गहमी हुई, 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस का छिड़ी, उसके बाद 2021 में अपना भारत मोर्चा बनाया गया। 23 नवंबर 2021 को टीएमसी ज्वाइन की, इसके बाद आप में शामिल होने की अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं अशोक तंवर। तो ये वो जानकारी कि कौन है अशोक तंवर, वो जानकारी आपको स्पष्ट की। हालांकि अब से कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे अशोक तंवर। तो किसान यात्रा के दौरान, वहीं 2019 में हुड्डा से गहमा गहमी हुई, अशोक तंवर की 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद 2021 में अपना भारत मोर्चा बनाया और 23 नवंबर 2021 को टीएमसी ज्वाइन की। तो अब आप में शामिल होने की जो अटकलें हैं, जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। थोड़ी देर में आप में शामिल होंगे अशोक तंवर। हालांकि आप प्रभारी सुशील गुप्ता भी सीएम केजरीवाल के निवास स्थान पर मौजूद हैं और फिलहाल अभी बैठक चल रही है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे वो सामने आ गए हैं। अब से कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे अशोक तंवर। तो वो जानकारी कि कौन है अशोक तंवर, वो आप समझ सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं अशोक तंवर, इसके साथ ही सिरसा से सांसद भी रहे हैं अशोक तंवर, राहुल गांधी के करीबी भी रहे हैं अशोक तंवर। तो दिल्ली में हुड्डा समर्थकों से झगड़ा हुआ था, किसान यात्रा के दौरान तंवर को आई थी चोट, इसके साथ ही 2019 में हुड्डा से गहमा गहमी भी हुई थी। 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद 2021 में अपना भारत मोर्चा बनाया। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे शायद अब वो सामने आ गए हैं। अब से कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे अशोक तंवर। सबसे पहले ताजा अपडेट आपके आपसे। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के घर पर जो हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी नेता हैं अशोक तंवर, वो पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ हरियाणा के जो प्रभारी आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, वो भी अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। अपने तमाम समर्थकों के साथ जो है अशोक तंवर दिल्ली पहुँचे थे और अब से कुछ ही देर बाद जो है आम आदमी पार्टी में औपचारिक रूप से अशोक तंवर जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 4:30 बजे के आसपास अशोक तंवर जो है आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर पहुँचेंगे। वहाँ पर मनीष सिसोदिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अशोक तंवर की बताई जा रही है और वहां पर औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी में अपने तमाम समर्थकों के साथ जो है अशोक तंवर शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि अशोक तंवर फिलहाल अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। चूंकि अगर अशोक तंवर की बात करें तो राहुल गांधी के करीबी भी रहे हैं, सिरसा से सांसद भी रहे हैं और काफी कुछ अपना योगदान दिया है। 2019 में हुड्डा के साथ गहमा गहमी भी हुई और किसान आंदोलन के दौरान इनके चोटें भी आई, काफी कुछ इनका जो है कांग्रेस के साथ रहा है अच्छा, लेकिन ऐसे में अचानक से मन बदल जाना, ये कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा करता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं अशोक तंवर की, तो वो लगातार एक सेफ हाउस कहीं ना कहीं घूम जो है खोजने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। हमने देखा था कि किस तरीके से पिछले जो विधानसभा चुनाव थे, चूंकि जो अशोक तंवर के समर्थक जो चेहरे थे उनको टिकट नहीं दिया गया था, तो ऐसे में उन्होंने पार्टी से खुद को अलग कर लिया था और इसी के चलते वो लगातार देख रहे थे कि कहाँ पर जो है वो हरियाणा की राजनीति में सेट होते हुए नजर आ सकते हैं। पहले उन्होंने टीएमसी में जो है खुद को शामिल करवाया, वहाँ पर वो समझ रहे थे कि किसी तरीके से जो है टीएमसी को
जो है उभारा जाए, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत होती हुई नजर आई है और उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो कहें कि एक तरीके से लहर है या फिर कहें कि माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में कर रही है, तो उसका फायदा उठाने की कोशिश एक तरफ जहाँ आम आदमी पार्टी करना चाहती है तो दूसरी तरफ अशोक तंवर भी करना चाहते हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अशोक तंवर आज आम आदमी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अशोक तंवर का इस्तेमाल आने वाले समय में करती हुई नजर आएगी। चलिए आप हमारे साथ स्पष्ट बने रहिए, आपका फिर रुख करेंगे। फिलहाल इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर आप